गुड मॉर्निंग एवरी वन अच्छा जी तो अभी हम हो गए रेडी uh, अपने इवेंट के लिए uh, हमारी गाड़ियाँ जरा आने वाली हैं कुछ ही देर में तो मैंने सोचा कि जरा थोड़ा सा आपसे बातचीत कर ली जाए इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ मैं अपने बाकी दोस्तों का तो पाकिस्तान से आपका दोस्त अब्दुल कादिर होगा और बांग्लादेश से हमारे ये कोलीग हैं आप भी जर्नलिस्ट हैं ओके बिस्मिल्ल अस्सलाम असल पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और खास तौर तो पर अमेरिका में बसने वालों को तो गुड मॉर्निंग बिकॉज यहाँ पर सुबह हो चुकी है आज हम कहाँ पर जाने वाले हैं ये कुछ ही देर में मैं आपको बताता हूँ लेकिन थोड़ा पाकिस्तान के सियासी हालात के ऊपर बात करते हैं अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने जेल में कुछ बातें की अडियाला जेल में उनके साथ बदतमीजी किसने की है यह भी एक अलग मामला है और फिर रूपोष क्यादत से मुतालिक इमरान खान क्या सोच रहे हैं क्योंकि कल से ये खबरें चल रही हैं कि उन्होंने रूपोष क्यादत को बाहर आने की हिदायत कर दी है लेकिन एक्चुअल स्टोरी क्या है वो आपके सामने रखता हूं उससे भी पहले जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है क्या महंगाई सबसे बड़ा मसला है बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है बिजली महंगी सबसे बड़ा मसला है या इंटरनेट की अदम दस्याबी सबसे बड़ा मसला है वैसे यहाँ पर तो अभी 5G प्लस चल रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है पाकिस्तान से यहाँ पे आके तो इंटरनेट का इस्तेमाल बिल्कुल ही डिफरेंट नोत का हो जाता है मुझे लगता है आने वाले चंद सालों में कभी इलेक्शन मुहिम हुआ करेगी ना पाकिस्तान में तो इस नाम पे हुआ करेगी कि हम जनाब आपको 4G सर्विस प्रोवाइड करेंगे हम ट्विटर की बंदिश जो है वो खोल देंगे इस किस्म के वादे हुआ करेंगे हम हाँ आपको अन इंटरप्टेड इंटरनेट देंगे कभी बंदिश नहीं होगी तो ये दावे जो हैं ये वादे ये इंतखी मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि अब आवाम को रोटी कपड़ा और मकान तो खैर चाहिए चाहिए लेकिन साथ में रोटी कपड़ा और इंटरनेट चाहिए तो ये अच्छा बहरहाल ये सारी चीज़ें भी एक साइड पर ये सबसे बड़े मसले हैं या फिर इमरान ख़ान का ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन जाना ये एक अलग मसला है मुझे लगता है बाकी सारे मसाइल एक तरफ और इस वक्त इमरान खान का चांसलर बन जाना या वो मुमकिना जो उनकी रेस है या दौड़ है वो हुक्मर इतिहाद के लिए सर का दर्द बनी हुई है मैं देख रहा हूँ खबरें चल रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं डेली मेल ने कोई आर्टिकल छाप दिया और उसके बाद बाकायदा वजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि कहीं इमरान खान जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर ना बन जाए और जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस या जिस तरह से वक्त लगाया जा रहा है इन चीज़ों के ऊपर और फिर लॉबीज़ पूरी की पूरी मुतहरक हो गई कि रोका जाए किसी तरह से ये ना हो कि यहाँ पर एक वो चीज एक ये जगह रहेगी ना जहाँ पर बस नहीं चल रहा तो यहाँ पर लॉबीज़ को आगे कर दिया गया कि जनाब आप ये कैंपेन कि इमरान ख़ान को ये नहीं बनना चाहिए चांसलर वो इस लायक नहीं है या इस काबिल नहीं है हालांकि आज बल्कि अभी देखा वो मुस्लिम लीग नवाज के कुछ रहनुमाए सरगर्म रहनुमा वो पहुँच गए पटिशन लेके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उन्होंने दरख्वास्तें दायर कर दी कि जनाब इमरान ख़ान के ऊपर ये सज़ा है ये सज़ा है वो उसको तोशा खाना की चीज़ें बताई हैं मुजरम है तो ये हालाँकि ये पता नहीं है कि इस टाइम इमरान ख़ान का जो स्टेटस है वो मुजरम का नहीं है वो सिर्फ हवालती का स्टेटस है उन वो सिर्फ तफ्तीश की गर्ज़ से इस वक्त जेल में अदरवाइज़ बाकी सारे केसेज में तो वो जो सज़ाएँ थीं उनकी वो तो कल हो गई तो खैर ये लोग अब पहुंच रहे हैं कि जनाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ई हो रही हैं या वट जो भी उनका राइट है बहरहाल लेकिन फवाद चौधरी साहब का मैं एक ट्वीट देख रहा था वो कह रहे हैं चले बहुत अच्छा हुआ इसी बहाने इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो देख ली <laughs> वैसे इनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई दूर दूर का शायद वास्ता नहीं है इस किस्म का उन्होंने ट्वीट किया कि चलो इसी बहाने इन्होंने तो देख ली यूनिवर्सिटी जो शिकायत दर्ज कराने गए एनीवेज़ जो हवाला दिया जा रहा है वो डेली मेल की एक ख़बर का दिया जा रहा है मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ वो जो डिसग्रेस्ड लिखा है ना एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से डिसग्रेस्ड वो यू के मेल का डेली मेल का सॉरी वो आर्टिकल है मुझे याद आ गया मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो इमरान ख़ान के दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी के ये जो डेली मेल है ये तो पेड आर्टिकल्स लिखता है ये तो बंद होने वाला था बरतानिया में इन इन से आर्टिकल्स लिखवाए ये तो झूठी खबरें देता है अब उसी डेली मेल के आर्टिकल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हो रही हैं चलें ये भी मान लिया ये भी एक चीज़ है मैंने अभी थोड़ी देर पहले जाके सर्च किया डिसग्रेस प्राइम मिनिस्टर करके मैंने कहा मैं आर्टिकल तो पढ़ूँ उसमें लिखा क्या है मैंने अपनी तरफ से लिखा डिसग्रेस एक्स प्राइम मिनिस्टर के इमरान खान वाला और डेली मेल का आर्टिकल आएगा मैं पढ़ू तो सही उसमें क्या लिखा है आगे से सारी खबरें सारे वजी नवाज शरीफ से मुतालिक एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पांच पता नहीं कितने आर्टिकल्स हैं मैं इमेजेस पे गया हूं मैं यहाँ पे खुद ही नहीं दिखा रहा कि हमें यह ना लगे कि मैं शायद कोई जानबूझ के ये कर रहा हूं अदरवाइज आप इमेजेस में जाके देखें सारी तस्वीरें नवाज शरीफ साहब की हैं और जितने आर्टिकल हैं वो सारे नवाज शरीफ से मुतल हैं और उसमें लिखा हुआ है डिसग्रेस्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर मतलब एक अखबार ने लिखा हुआ पता नहीं कितनी अखबारों ने लिखा है कितने आर्टिकल्स छपे हुए हैं इस हवाले से अगर खाली इस लफ्स के ऊपर पूरी कैंपेन चलानी है या आपने ये कहना है कि इमरान ख़ान को डिसग्रेस्ड कह दिया तो बाकी आर्टिकल्स भी फिर पढ़ लें फिर तो उनमें आ... तादाद तो है वो ज़्यादा हो जाती है अब एक तरफ डेली मेल और दूसरी तरफ द वीक मैगजीन अब द वीक मैगजीन का अगर आप आर्टिकल पढ़ें तो उसमें तारीफों के पुल बांधे हुए हैं इमरान खान के कि जनाब ये शख्स जो है वो ही इज़ द राइट मैन फॉर द राइट जॉब के मतलब इसको होना चाहिए राइट जॉब तो उनके उनके लिए नहीं है वो तो इस कैलिबर से बहुत ऊपर गया है लेकिन फिलहाल चलो इस रेस की अगर बात करें तो आर्टिकल में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो भी पढ़ लें फिर तो पता चल जाएगा मुकाबला इस टाइम ताज़ा तरीन आर्टिकल्स का हो रहा है तो लाभ भी बड़ी एक्टिव है देखते हैं इमरान खान इस रेस में कब तक रहते हैं अगर तो रह गए अगर तो एंड तक रह गए फिर तो आ, उनको रोकना मुश्किल होगा या उनकी जीत मुश्किल हार में बदलना मुश्किल होगी यहाँ पे कोई फॉर्म फोर्टी सेवन फाइव वाला चक्कर नहीं होने लगा लेकिन कोशिशें भरपूर हो रही हैं अच्छा आप आ जाइए ज़रा पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं बहुत दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि बल्कि दो तीन दिनों से कि इमरान खान ने कोई पैगाम दे दिया है रुपोष क्यादत को कि मुराद सईद समेत हमाद अजहर समेत जितने रूपोश लोग हैं वो सारे मंजर मंजरेआम पे आ जाएं तो आज उनसे थोड़ी देर पहले अडियाला जेल में बात हुई तो इमरान खान साहब ने इस बात को कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और रुपोश की आदत जहाँ पर है महफूज़ रहे कोई ज़रूरत नहीं है इन हालात में सामने आने की वो कहते हैं कि हम अदालतों का सामना करने के लिए तैयार हैं मतलब ऐसाच कोई वो नहीं है कि हम अदालतों से भाग रहे हैं लेकिन असल मसला ये है कि मावरा अदालत बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर रहें आज के दिन एक अनफॉर्चुनेट सी बात हुई है जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है जर्नलिस्ट की तरफ से भी कि इमरान खान ने आज जेल में एहताज किया है और उनकी जो इमीडिएट फैमिली है यानी उनकी जो बहनें हैं उन्होंने भी बाहर आके बताया कि इमरान खान साहब के साथ आज जेल में बदतमीज़ी की गई हालांकि इमरान खान सबके साथ बड़े हाजरी से मिल रहे हैं सबके साथ बड़ा आ, अच्छा रवैया उन्होंने रखा लेकिन आ, कोई पुलिस हुकाम थे अड्याला जेल में तो उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी बदनज़मी सी हुई बदतमीजी टाइप की सिचुएशन रही कि वो मीडिया से इंटरेक्शन नहीं उनको करने दे रहे थे इमरान खान को सख्ती चूँकि आजकल बड़ी हुई है तो आज एक बार फिर आ, अलीमा खान बता रही थी कि बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है और वो सख्ती दिन ब दिन बढ़ रही है तो इमरान खान को ओपन ट्रायल के दौरान जो कि बिल्कुल ओपन ट्रायल है जिसमें मीडिया की एंट्री हो सकती है जिसमें आप बात कर सकते हैं उसमें रोका जा रहा है कि आप मीडिया से गुफ्तगु ना करें और फिर आज रिपोर्ट हुआ है अड्याला जेल से कि इमरान खान ने इस मामले के ऊपर एहत किया है अपना कि क्यों उनको मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही बहरहाल इसी सारी सिचुएशन के दौरान इमरान खान ने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है आप लोगों के नाम उन्होंने कहा आठ फरवरी को आप लोग बाहर निकले और बिल्कुल माहौल बदल दिया अब एक बार फिर वो आपसे अपील कर रहे हैं कि 8 सितंबर को आप घरों से बाहर निकलिए और जो उनका जलसा है इस्लामाबाद का उसको कामयाब कराइए क्योंकि उससे जो इम्पैक्ट आ सकता है इमरान खान उससे होपफुल है कि उस जलसे का जो इम्पैक्ट है वो शायद आ, कहीं फैसला साजी का माहौल बदल दे क्योंकि आने वाले दिनों में शायद एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जाएंगे उनके हवाले से भी इस हवाले से पार्टी के लोगों को भी कुछ कुछ तश्वीश है कोई मिलिट्री ट्रायल का बता रहा है कोई और अलकाद ट्रस्ट केस में लंबी सजा का बता रहा है आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया उनकी नाहली के हवाले से कि उनकी जो नाहली का मामला तोशाखाना केस से चलता आ रहा है वो हमायू दिलावर साहब ने एक सज़ा सुनाई थी उनको नाहल कर दिया उस नाहली के ख़िलाफ़ इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी उसका कोई डिसीजन नहीं सुनाया था इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी रजू किया तो मामला दो हाई कोर्ट्स में होने की वजह से इमरान खान साहब का मामला लटक गया तो लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि मामला चूँकि मियाम वाली की सीट से डी सीट करने का हुआ है तो इसलिए डोमेन तो लाहौर हाई कोर्ट की ही बनती है लेकिन आप चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए वहाँ से आप दरख्वास्त अपनी विदड्रॉ कर लें हम डिसीजन कर देंगे तो ये आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब हमार हमने आपसे पिटिशन नहीं सुनवानी आमिर फारूक साहब से कहा कि आप हमारी दरखास्त जो है वो वापस कर दें आमिर फारूक साहब ने वो दरख्वास्त वापस लेने की जो पिटिशन थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन का चूंकि फैसला है तो ये इनकी डोमेन बनती है तो इसलिए ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनेगी अभी वो भी इतने महीने हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर भी कोई डिसीजन नहीं दिया या कोई समात ही नहीं हुई एक बार कहीं फिक्स होने लगी थी तो वो कॉज लिस्ट मुलतवी हो गई तो इमरान खान साहब का ये मामला यहाँ पर आगे फंसा हुआ है अगर कल कलांको कि किसी स्टेज पर जाके री इलेक्शन होते हैं या जिसके लिए इमरान खान होपफुल है कि आने वाले वक्त में री इलेक्शन होंगे जो कि Uh, मेरा ख्याल है जनवरी के बाद ही अगर कभी कभी ऐसा माहौल बना इन रिसेंट टाइम में के इलेक्शन uh, की तरफ जाना है तो वो मेरा ख्याल है जनवरी फरवरी के बाद की कोई सिचुएशन uh, बनेगी क्योंकि जब तक uh, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं तब तक तो इमरान खान नहीं मानने लगे तो ये जनवरी में रिटायर्ड होंगे जनवरी 2025 uh, में तो उसके बाद शायद कोई माहौल बने री uh, एलेक्शन का तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इमरान खान कम अज़ कम इलेक्शन लड़ने के अहल तो हों क्योंकि सजाएँ तो सारी मअतल हैं अब इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था कि जनाब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहें कि हमारी दरख्वा हमें हम वि करना चाहते हैं तो हमें इजाज़त दे सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी जमात नहीं हुई एंड अब उन्होंने एक और दरख्वास्त मुतफ्रक दरख्वास दायर की है कि हमें हमारी दरख्वास विदड्रा करने की इजाज़त दी जाए अब देखें कि इंसाफ का हसूल कितना मुश्किल है कि आपने अपनी ही दरख्वास्त सिर्फ वापस लेनी है अमूमन ऐसा होता है केसेस में फ्री कोई कह दे कि मैंने दरख्वास वापस लेनी है जजेस कहते हैं ठीक है, है बिस्मिल्लाह आप वापस लें हम अगले केसेस की तरफ बढ़ जाते हैं और इतने पेंडिंग केसेस हैं लेकिन यहाँ पर यह दरख्वात जो है वो वापस नहीं लेने दी जा रही तो मकसद इसका क्या है ओबियस बहुत सारी चीज़ें लेकिन आई होप कि अदलिया से इस हवाले से कोई बेहतर फैसला आ जाए आपकी क्या राय है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में अभी वक्त हुआ है हमारे आज के नेक्स्ट इवेंट का तो मैं जल्दी से तैयार होकर वहाँ पर निकलूंगा एक बार फिर से आपको बता देता हूँ हमारे सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं जक़ात फाउंडेशन के जेर एहतमाम औरफनज यानी यतीम बच्चों की कफालत के लिए एंड प्लस बांग्लादेश के जो बहन भाई हैं इस वक्त मुश्किल में है सैलाब के बायस उनकी फ़ंड रेजिंग के लिए तो आज का जो इवेंट है वो ह्यूस्टन में होने जा रहा है अमेरिकन वक्त के मुताबिक या ह्यूस्टन के वक्त के मुताबिक शाम सात बजे उस इवेंट की लोकेशन उसकी डिटेल सारी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें ऑनलाइन फंडिंग करना चाहें या आप पर्सनल ख़ुद विजिट करना चाहें तो ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा मैं ख़ुद भी वहाँ पर हूँगा और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी कुछ मुलाकातें हैं हमारे दोस्त अहबाब हल्का अहबाब वो भी आप बड़े ह्यूस्टन में आने का कह रहे थे तो मौका नहीं मिल रहा था तो अभी मौका है तो इन भी Uh, मुलाकात रहेगी आज एंड देन फिर uh, और इवेंट्स uh, जो हैं वो चलते रहेंगे शिकागो का भी है न्यूयॉर्क का भी एंड वाशिंगटन डीसी एंड सो ऑन न्यू जर्सी का भी है तो वो सारा शेड्यूल भी मैं आपको दिखा दूंगा अगर मुझे मिला तो वरना साथ साथ उसकी मैं डिटेल्स आपको बताता रहूँगा तो अभी चलते हैं इवेंट्स uh, की तरफ मेरे साथ रही कौन कौन जा रहा है तो आइए मेरे साथ जरा लॉबी में तैयार शर् चलते हैं तो आपको कुछ अपने दोस्तों से भी मिलवाता हूँ तो स्टेट्यून हाँ अच्छा जी तो अभी हम हो गए हैं रेडी आ, अपने इवेंट के लिए आ, हमारी गाड़ियाँ जरा आने वाली हैं कुछ ही देर में तो मैंने सोचा कि जरा थोड़ा सा आपसे बातचीत कर ली जाए इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ मैं अपने बाकी दोस्तों का तो पाकिस्तान से आपका दोस्त अब्दुल कादिर होगा और बांग्लादेश से हमारे ये कोलीग हैं आप भी जर्नलिस्ट हैं एम ए सिक्योरिटी सो बांग्लादेश से योर नेम नेम माय इज इमरान अंसारी इमरान इमरान अंसारी इज बांग्लादेशी जर्नलिस्ट और ये रिप्रेजेंट करेंगे बांग्लादेश की सिचुएशन के हवाले से स्पेशली फ्लड के बाद जो सूरत हाल वहाँ पर है उसके बारे में बताएंगे और फिर हम ऑब्वियसली पाकिस्तान के हवाले से जितना हो सका ताउन की दरख्वास्त करेंगे बाकी सब दोस्तों से कम्युनिटी के लोगों से एंड आ, कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर भी बातचीत रहेगी तो बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट रहेगी उसके बाद भी बिकॉज बांग्लादेश में बहुत सारी सिचुएशन लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है तो इमरान भाई से जानेंगे कि वहाँ पर क्या है आ, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर रहेगा बट आई होप वी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज वेल थोड़ा थोड़ा उर्दू आती है अच्छा थोड़ा थोड़ा आती है तो बस ठीक है फिर मसला कोई नहीं है थोड़ा, थोड़ा थोड़ा आती है तो फरूख भाई यहाँ पर हैं हमारे साथ तो फरूख भाई पॉजिटिव होप्स के साथ जा रहे हैं इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें अपना पैगाम पहुंचाना है आगे अल्लाह मालिक है बिल्कुल इंशार्ला। बिल्कुल इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट तो बस हमारी गाड़ी आने वाली है तो होटल से हम जरा निकलते हैं इवेंट की तरफ जाएंगे एंड देन फिर कल कल तो यहीं पे इवेंट होगा तो वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे हमारे साथ रहिएगा स्टे ट्यून्ड